यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सलमान खान के साथ बिग बॉस 13 की सवारी करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि रिलीज हुआ बिग बॉस सीजन 13 का पहला प्रोमो। शो के हो सलमान खान एक स्टेशन मास्टर के गेटअप में नजर आ रहे हैं। प्रोमो में सलमान बताते नजर आ रहे हैं कि इस शो में कंटेस्टेंट को पहले 4 हफ्तों में ही फिनाले में पहुंचना होगा। खबरें हैं कि शो 29 सितंबर से ही ऑन एयर होगा। खबरें वायरल हुई कि संजय दत्त 25 सितंबर को राष्ट्रीय समाज पक्ष RSP में शामिल होने वाले हैं। RSP के संस्थापक और कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर इसकी जानकारी दी, लेकिन संजय दत्त ने इन खबरों को झूठ बताया। कहा कि मिस्टर जानकर उनके अच्छे दोस्त हैं। संजू बाबा ने उन्हें भविष्य के लिए बधाई भी दी। बता दें कि RSP महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ BJP की सहयोगी पार्टी है। सारा अली खान के एक वीडियो से परिवार को मिला खोए हुए बेटे का सुराग। दरअसल एक लड़का सारा के साथ एक सेल्फी खिंचवाई और इस पूरे इंसिडेंट को वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने भी अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये लड़का 10वीं कक्षा का छात्र है। 10वीं क्लास के एग्जाम में फेल हो गया था और 17 अगस्त को स्कूल के लिए घर से निकलने के बाद गायब हो गया था। सारा के इस तस्वीर के वायरल होने से परिवार की मदद हो गई। लैक्मे फैशन वीक के आखिरी दिन यानी 25 अगस्त को नामचीन सितारों ने रैंप पर अपने फैशन से आग लगा दिया। अर्जुन कपूर, मलाइका अरोरा, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, जेनेलिया डिसूजा ने अपने रैंप वॉक से फैंस पर जादू चलाया। ईशा देओल अपनी बेटी राध्या के साथ रैंप वॉक करती नजर आई। लोग माँ बेटी के वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। लैक्मे फैशन वीक 2019 पर कंगना रनौत के लुक से थम गई सभी की दिलों की धड़कन। रैंप पर डांस करते करते वॉक किया कंगना ने। वहीं अपने वॉक के बाद कंगना ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान रेखा, रणवीर सिंह, सोनम कपूर के स्टाइल की तारीफ की। देयर आर मेनी हु आई फील हैव इंस्पायर्ड द जनरेशंस ऑफ पीपल एंड आई थिंक रेखा जी इज वन ऑफ देम एंड अदर रियली फैशनेबल पर्सन आई फील इज इन टुडेस टाइम्स आई थिंक Mr. Bachchan or Ranveer Singh is very fashionable. Also, I think somebody like Sonam Kapoor. करीना कपूर खान ने लोगों पर काला जादू किया। लैक्मे फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले पर ब्लैक गाउन में खूबसूरत लगी बेबो। बेबो ने रैंप पर बिखेरा जलवा। सलमान खान और आलिया भट्ट की इंशाअल्लाह अब E2020 पर रिलीज नहीं होने वाली है। इस न्यूज को सलमान ने खुद ट्विटर पर अनाउंस किया। कारण बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर मेकर्स अभी काम कर रहे हैं और उसके बगैर शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। ई टाइम्स के रिपोर्ट्स के अनुसार अब मेकर्स क्रिसमस यानी कि दिसंबर 2020 को रिलीज करने की सोच रहे हैं। सलमान ने अपने ट्वीट में फैंस से कहा कि वो E2020 में सभी को सरप्राइज देने वाले हैं। अब वो क्या है इस पर अब तक पर्दा नहीं हटा है। रिलीज से पहले ही सलमान खान आलिया भट्ट के इंशाल्लाह ने कमाए 190 करोड़। खबरों के मुताबिक भंसाली ने इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स 190 करोड़ रुपयों में बेचे हैं। आपको बता दें कि फिल्म अब E2020 पर रिलीज नहीं हो पाएगी। इसका ऐलान खुद सलमान ने ट्विटर पर किया है। वरुण धवन और नताशा दलाल से अचानक टकराए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। वायरल हुई तस्वीरों के मुताबिक चारों में लंबी बातचीत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने मिशन मंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी और ये चारों फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे। सलमान खान की जगह ले ली है अक्षय कुमार ने। जी हाँ, अगले साल ईद होगी अक्षय कुमार के नाम, क्योंकि अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज होगी E2020 को। 22 मई 2020 ईद पर लक्ष्मी बॉम्ब करेगी बड़ा धमाका। आपको बता दें कि ईद पर पहले सलमान आलिया की इंशाअल्लाह रिलीज होनी थी, लेकिन अब वो टल गई है, इसलिए अक्षय ने बाजी मार ली है।